तो ये जो गिरावट है मार्केट में, ये कब तक बनी रहेगी? और अगर ये गिरावट इस तरह से बनी रहेगी तो आने वाले चुनावों के कारण वो गिरेगी या और कोई उसकी वजह होगी, बताइए। देखिए, जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पिछले हफ्ते बात की थी तो 1000 से 1200 पॉइंट की एक कमजोरी आई थी, जी मगर इस वक्त अगर हम गोचर की बात करें तो डेफिनेटली गोचर में अभी भी कुछ कमी नजर आती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 20,800 और 20,900 तक आगे जाएगा, उसके बाद में ये नीचे आता हुआ मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 दिनों में, एक हफ्ता नहीं पकड़ेंगे पर अगले 15 दिनों में ये 20,000 का आंकड़ा भी तोड़ सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। कुछ शेयर पर्टिकुलर, कुछ स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो कि शायद लाइमलाइट में रहेंगी और उनके ऊपर निवेशक जो है अपना दाव लगाते रहेंगे, मगर बाजार में इस वक्त जो वातावरण दिख रहा है वो बुलिश नहीं है, बेरिश है। निफ्टी भी जो है वो 6,050 का आंकड़ा तोड़ सकती है, 5,925 तक निफ्टी भी आ सकती है, और अगर हम सोने की बात करें तो सोना 30,000 से ऊपर जाने के योग बनते हैं, और चांदी जो है वो भी 42,000 से लेकर 46,000 के बीच बीच में झूल सकती है। और रियल स्टेट की बात करें तो रियल नहीं, स्टेट उसके में, पहले ऑयल। हाँ, ऑयल की बात करें तो ऑयल $90 से लेके $100 तक घूमता रहेगा। बाजार में 6,200, 6,300 के करीब भारतीय बाजार में दिखाई देगा और उसके नीचे 5,980 तक आता हुआ दिखाई देता है।